वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, 3-4 दिन बर्फ़बारी के बाद आज का जो मौसम है वो आपको दिखाएंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है। तो गाइस, जो धूप से मतलब एनर्जी मिलती है सर्दियों में, वो आप देख ही सकते हैं। सारी स्वेटर वगैरह, कोटियाँ वगैरह अपने आप ही उतर चुकी हैं, क्योंकि ये धूप का ही कुछ असर होता है। वैसे भी 3-4 दिनों के बाद हमें विटामिन डी मिलेगी। तो अभी हम आपको जो मतलब सनराइज़ मॉर्निंग का व्यू है, जो भी आपको अभी दिखाएंगे, पहाड़ पीछे वैसे आपको दिख रहे होंगे बर्फ़ की चोटियाँ। वैसे तो यहाँ भी बर्फ़ पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक। मतलब आपको दिखाएंगे अभी आगे हम किस तरह की मतलब यहाँ पे बर्फ़बारी हो रखी है, कितनी कितनी मतलब ज़मीन के अंदर धस जा रहा है बंदा, बर्फ़ के अंदर धस जा रहा है। तो गाइस, बने रहो वीडियो में, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये ऐसी वाइब, नेचुरल वाइब आपको दिखाता रहूँगा मैं। बाकी तो गाइस, देख ही सकते हैं सामने के बादल, आप पहाड़ देख सकते हैं किस लेवल के दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस तरह का करिश्मा दिखाई देता है जिस दिन धूप होती है, बर्फ़बारी के बाद की जो धूप। तो गाइस, सामने के पहाड़ों का व्यू तो आप देख सकते हैं कितना ही अमेजिंग लग रहा है। साथ में बादल और साथ में पहाड़ और उसी तरह की धूप और साथ में बर्फ़बारी, ये सारी चीज़ें एक साथ देख सकते हैं। और ये सामने सूरज है बिल्कुल सामने, और ये सामने की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं सारी की सारी। बाकी अभी हम आपको ज़मीनी स्तर पे लाएंगे, ये तो चोटियों की बात ठहरी, अभी हम गांव को उतरते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ भी बर्फ़बारी का कुछ ज़्यादा ही कहर है, देख सकते हैं आप। ये मेरा गांव है नीचे रही, बाकी जो गाइस नहीं जानते उनको एक बार फिर से बता दूँ, ये गाँव ट्राइबल एरिया भरमौर के अंदर आता है। और कुछ इस लेवल की बर्फ़बारी हो चुकी है, अभी हम आपको सारा दिखाएंगे।
गाइज इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अपना प्यार इसी तरह बनाते रहिए।